नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर है। मंगलवार को एफएटीएफ ने अगर उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उससे बचने के लिए पाकिस्तान को आतंकवादियों पर नकेल कसनी थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने देश को ही सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी मसूद अजहर भले ही पाकिस्तान में है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मसूद पूरे परिवार के साथ लापता है। देखिए, इंशाल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा। ये चाहते हैं कि क्यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। हिंदुस्तान के लिए आतंक की मुश्किलें पेश करने वाला ये दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। नाम है मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जिसने 20 साल पहले कंधार विमान अपहरण को अंजाम दिया था और पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भी इसका हाथ था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस जघन्य आतंकवादी को बचाने में इस हद तक नीचे गिर गए कि अपनी कंगाली का भी उन्हें ख्याल नहीं है। आतंकियों की खतरनाक बोली और गोली ही उन्हें अच्छी लगती है। इंशाल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा और कमी तो बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बारे में कोई तमन्ना नहीं कि मरने पर उसकी हसरत रह जाए। बाकी रहे घर वाले और बच्चे तो उनको आज भी अल्लाह ताला पाल रहे हैं और कल भी अल्लाह ताला ही पालने वाले रब्बुल आलमीन हैं। भारत से हमारे बारे में एक ही शोर आ रहा है, पकड़ो मारो पकड़ो मारो। और यहाँ अपने मुल्क के हुक्मरानों को ये सदमा है कि शायद हमने उनकी यारी में खलल डाला है। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। पाकिस्तान दाने दाने के लिए मोहताज होने के कगार पर खड़ा है, फिर भी इस आतंकवादी को संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के सामने कहा है कि मसूद अजहर तो पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ये झूठ लगातार बोल रहे हैं। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की जो मीटिंग्स में जो पहले मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी जब भी कभी मसूद अजहर का प्रश्न आया है तो उन्होंने ये कहा है कि ये मिसिंग है, जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पूरी विश्व मीडिया के सामने इस बात की घोषणा की थी कि पाकिस्तान के अंदर ही मसूद अजहर है, वो बहुत बीमार है और वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे कैटेगरी में डाल रखा है, लेकिन अगर उसको ब्लैक कैटेगरी में डाल दिया गया तो पाकिस्तान कंगाल हो जाएगा और वो भी, लेकिन इसके लिए एफएटीएफ की शर्त है कि वो आतंकवादियों पर नकेल कसे। लेकिन नकेल कसना तो दूर, पाकिस्तान यहाँ तक कह रहा है कि मसूद अजहर तो मसूद अजहर, उसके परिवार तक का पता नहीं। भारत के पास पूरे सबूत हैं कि मसूद अजहर इस समय पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान की एजेंसीज उसको शेल्टर दे रही हैं, उसको हर तरह का प्रोटेक्शन दे रही हैं। पाकिस्तान किस तरीके से एक सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करते हुए अपने कुछ आतंकियों को कुछ सजाएं वगैरह भी सुनाने का कार्य किया है, जिसमें कि हाफिज सईद को अभी कुछ सजा सुनाई गई है। भारत ने यह भी कहा है कि ये जो सजा सुनाने का जो टाइम है वो इस समय ऐसे रखा गया है कि एफएटीएफ के पहले का हो। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का शेख ही बघारने में कोई सानी नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा आतंकवादियों को पनाह देने में उनका कोई जोड़ नहीं। खजाना खाली है, लेकिन आतंकी इरादों से उनके दिलो दिमाग का खजाना भरा है। पाकिस्तान का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र ने जिन्हें आतंकी घोषित किया है उनमें 16 आतंकी उसके देश के हैं, लेकिन इनमें 7 मर चुके हैं। बाकी 9 में से 7 ने संयुक्त राष्ट्र से अपील कर रखी है कि उन पर लगे आर्थिक और आने जाने पर पाबंदी हटाई जाए। इनमें लश्कर ए तैयबा का चीफ हाफिज सईद, हाजी मोहम्मद अशरफ, जफर इकबाल, हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टवी, याहिया मोहम्मद मुजाहिद, आरिफ कासमानी और अलकायदा का फिनेंसर अब्दुल रहमान शामिल हैं। इनमें से हाफिज सईद को तो पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही गिरफ्तार किया, लेकिन जैश ए मोहम्मद के सरगना पर पाकिस्तान ने लीपापोती शुरू कर दी है। यही रास्ता पाकिस्तान पहले अख्तियार करता है, यही रास्ता अब भी अख्तियार कर रहा है। किसी दुनिया में किसी को भरोसा नहीं होगा कि भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग के एक दिन पहले तो एक हफ्ता पहले आप हाफिज सईद को सडनली गिल्टी करार दे देते हो, अभी अजहर मसूद को गायब कर देते हो।
ये सब ब्लैक लिस्ट से बचने के तरीके हैं। एफएटीएफ ये जानना चाह रहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के लिए कितना सतर्क है, लेकिन आलम ये कि अक्टूबर से ही पाकिस्तान बार बार कहता रहा है कि मसूद अजहर पता नहीं कहां गायब हो गया। पाकिस्तान एक आतंकी को बचा रहा है, लेकिन इसकी कीमत वहां के लोगों को भुगतनी पड़ेगी। आज तक ब्यूरो। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफएटीएफ की बैठक चल रही है। इसमें तय होने वाला है कि पाकिस्तान उसके ग्रे लिस्ट में रहेगा, उससे बाहर निकलेगा या फिर ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। लेकिन इसके लिए आतंकवादियों पर कार्रवाई करने की जगह इमरान खान उनको संरक्षण दे रहे हैं। हाफिज सईद को दिखाने के लिए गिरफ्तार किया और मसूद अजहर को लापता बता दिया। मसूद अजहर को बचाकर फंस जाएगा पाकिस्तान, अब की बार दाने दाने को तरसेगा पाकिस्तान। अब तो बड़ी बातें कर रहे हैं कि नौकरी दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, गुर्बत मिटाऊंगा। गुर्बत नहीं मिटाएगा, वो गरीब मिटाएगा। सर आवाम पे पड़ रहे उनको। अब तिकड़म से भी एफएटीएफ में फंस गई आतंकिस्तान की जान। एफएटीएफ की काली सूची में गया तो खत्म पाकिस्तान। की राजधानी पेरिस में एफएटीएफ की बैठक में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होना है। वहां पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है कि कैसे आतंकवाद के मुद्दे पर वो दुनिया को अब तक अंधेरे में रखता आया है, लेकिन एफएटीएफ में इस बार पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जो इस समय स्थितियां हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान लगातार जो आतंक को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, आतंक को आज भी वो अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आतंकियों को स्ट्रेटजिक एसेट्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत लंबे समय तक अपने आप को ब्लैक लिस्टेड होने से नहीं बचा सकता। एफएटीएफ की पेरिस में बैठक, एफएटीएफ की बैठक में ये तय होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। काली सूची से बचने के लिए पाकिस्तान को बताना होगा कि बीते 3 महीने के दौरान आतंकवाद के लिए हो रही फंडिंग रोकने के लिए उसने क्या कदम उठाए। हालांकि पाकिस्तान की कोशिश ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने की होगी, लेकिन उसके लिए कम से कम 15 वोटों की दरकार है जो पाकिस्तान के पास अभी दिखते नहीं। दूसरी तरफ एफएटीएफ के मंच पर हिंदुस्तान की कोशिश होगी कि एक आतंकी देश को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, क्योंकि उसका पैसा आतंकवादियों को पालने पोसने में खर्चा होता है। एफएटीएफ की बैठक में 18 फरवरी को पाकिस्तान का मसला एफएटीएफ के एक संगठन इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप के सामने आना है। पाकिस्तान इस खतरे को अच्छी तरह भांप चुका है, इसलिए वो अमेरिका से हाथ पैर जोड़ रहा है, तो चीन, तुर्की और मलेशिया जैसे देशों से मदद की आस लगाए बैठा है। वैसे ये इम्तिहान इमरान खान का है, जो भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सामने घूमते रहते हैं। हम सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं इस कर्जे पे, जो इंटरेस्ट है वो हर रोज 6 अरब रुपया है। इसका मतलब ये है कि हम जब तक अपनी कर्जों की किस्तें अदा करते हैं, अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करते हैं, तो हमारे पास मुल्क चलाने के जो डेवलपमेंट के लिए पैसा है उसके लिए हम अब मजीद कर्जे लेते हैं। तो ये है क्लासिक डेट ट्रैप। दुनिया में पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जो अपने नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने की जगह आतंकियों को बचाने में लगा है, भले ही दुनिया से मिलने वाला पैसा बंद हो और वो दिवालिया हो जाए। आज तक ब्यूरो। अब पाकिस्तान में सवाल है कि उस देश की अर्थव्यवस्था बचेगी या आतंकवादी बचेंगे। प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो तय कर लिया है कि पाकिस्तान जाए जहन्नुम में, वो तो आतंकवादियों को बचाकर रहेंगे। अब भले ही आतंकवादियों का वो बचाव अर्थव्यवस्था के लिए, पाकिस्तान के लिए डेथ वारंट साबित हो रहा हो। इस तस्वीर को देखकर आपको बहुत हंसी आ रही होगी, लेकिन इस हंसी में पाकिस्तान की बर्बादियों का वो मंजर छुपा है जिसमें वो देश आतंकिस्तान से बर्बादिस्तान बनने की दिशा में बढ़ चुका है। हम दाड़े मार के इसके जनाजे पे रो इसलिए रहे हैं कि गरीब मर गया, गरीब खत्म हो गया, गरीब लाचार हो गया, गरीब भूखा मर गया, गरीब खुदकुशियां कर रहा है, गरीब जो है बच्चे बेच रहा है, बर्तन बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, गरीब यहां तक मरने के लिए तैयार हो गया है। इमरान खान को अपनी गद्दी बचानी है और साथ में आतंकवादियों को। अब भले ही पाकिस्तान में 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए हों, कर्ज इतना बढ़ गया कि पाकिस्तान के माथे पर दिवालिया बस लिखा ही जाना है। एक तरफ विदेशी कर्जा है
तो दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी से लेकर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों पर संकट बढ़ गया है। महंगाई महंगाई ने इंसान को आत्महवा कर दिया, कमर तोड़ डाली है। इंसान इस दौर में कुछ भी नहीं खरीद सकता, खाना पीना मुश्किल है। बच्चों के लिए भी क्या इंसान खरीदारी करे, ये बताएं। अब बच्चों के लिए कपड़े, जूतियां, चप्पल, चूड़ियां हर चीज लेनी पड़ती है, लेकिन इस वक्त बजट जो है ना वो इजाजत नहीं दे रहा इंसान कोई चीज खरीदे। गैस का नहीं, लाइट का, बिजली का बिल 4-5 हज़ार रुपये कम कोई आ रहा है। चलाओ नहीं चलाओ, दो बल्ब भी जलाओ 4 हज़ार रुपये बिल पहुँच रहा है। भी महंगी हुई है, गैस भी महंगी है। गैस भी महंगी हो रही है। गैस आ रही नहीं आ रही? गैस तो आती है, स्लो आती है। खाना पक जाता है? खाना तो पकेगा, ऐसे पकाने पकाई लेते। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का हाल ये है कि GDP 3.5% पर अटक गया है। महंगाई पिछले 10 साल में सबसे ऊपर है, जो 13% तक पहुंच चुका है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 51.7% की गिरावट आ चुकी है। विदेशी निजी निवेश में 64.3% की गिरावट आई है। पाकिस्तानी रुपया लगातार लुढ़कता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कीमत में 20% की गिरावट आ चुकी है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में 40 लाख की वृद्धि हुई है। इस समय देश में 4 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। विदेशी कर्ज का आलम यह है कि IMF चीन और सऊदी अरब से कर्ज लेने के बावजूद पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के मरीज के कोमा से निकलने की गुंजाइश नहीं दिखती। ऐसे में अगर FATF ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया तो इसकी कल्पना से पाकिस्तान थर्रा जाएगा। पाकिस्तान लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसको कर्ज मिलता रहे ताकि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से अपने आप को बचा पाए। एक बार पाकिस्तान FATF के द्वारा ब्लैकलिस्टेड हो गया तो पाकिस्तान को कोई भी एजेंसी, चाहे वो विश्व की IMF हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी उसको कर्ज नहीं देगा और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो जाएगा और पाकिस्तान को कोई देश भी कर्ज नहीं दे सकता। आतंकवादियों को बचाने के चक्कर में पाकिस्तान में हालत ये हो गई है कि आम आदमी का गुस्सा इमरान खान पर फूटने लगा है। हुकूमत के पास अपने इत्तेहादियों को अपनी हुकूमत बचाने के लिए उनको मनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वो इसी काम में मशरूफ है कि अपने इत्तेहादियों को मनाएं, अपनी हुकूमत बचाएं। गरीब को बचाने के लिए कुछ भी नहीं। इमरान खान ने झूठ बोला था, हफीज शेख ने झूठ बोला था कि गरीब खुशहाल होगा, गरीब जो है लाचार हो गया है। ऐसे में अगर FATF ने पाकिस्तान को काली सूची में डाल दिया तो वो ईरान और उत्तर कोरिया की सूची में शामिल हो जाएगा। फिर उसे IMF, विश्व बैंक, ADB और यूरोपीय संघ से आर्थिक मदद बिल्कुल बंद हो जाएगी। कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेगी। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज हैं पाकिस्तान में, 116 है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो सब बंद हो जाएंगी। कोई टूरिस्ट पाकिस्तान में नहीं आएगा। पाकिस्तान के टूरिस्ट को दूसरे मुल्क वीजा नहीं देंगे और कुछ और भी बंदिश हैं जो टेक्निकल मेरे को इतनी पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में आ जाएगा अगर उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया तो। ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश तो अच्छी स्थिति में है, इसलिए तमाम प्रतिबंधों को झेल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ये फरवरी डेथ वारंट लेकर आ सकती है। तब मसूद अजहर और हाफिज सईद के भरोसे इमरान खान कब तक बचेंगे? आज तक ब्यूरो। मसूद को बचाते हुए कैसे FATF में अपने लिए उम्मीद देख रहे इमरान खान, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए विशेष। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट है, ऐसे में अगर FATF ने इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो दुनिया के तमाम बैंकों से कर्ज मिलना बंद हो जाएगा। फिर भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को बचा रहे हैं, क्या इसके पीछे चीन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लगता है कि वो अपने आतंकियों को बचा लेंगे और FATF की कुपित दृष्टि से भी बच जाएंगे। ऐसा इसलिए कि वो FATF को बता रहे हैं कि 11 साल की सजा लश्कर ए तैयबा के हाफिज सईद को दी है और हाल ही में उसको गिरफ्तार भी किया है। दूसरी तरफ वो दुनिया को ये कहकर बरगलाने में लगे हैं कि जब मसूद अजहर पूरे परिवार के साथ लापता है तो वो कहां से पकड़ कर ले आए। तीसरे, पाकिस्तान को यकीन है कि चीन उसकी मदद करेगा क्योंकि FATF का अध्यक्ष इन दिनों चीन का ही है। लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि मंगलवार को पाकिस्तान का मंगल होता नहीं दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान का क्या होगा, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। विशेष में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।